Hello. From where are you coming? You are Turkish? Yeah. Have you any channel of YouTube? मैं इस टाइम जा रहा हूँ हुंजा रोड से, जो एक्स्ट्रा जो हमें किलोमीटर पड़े हैं वो तकरीबन कोई 350 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़े हैं। लोग सिरी पाए से चले हैं, कोई रेस्ट नहीं किया, हम लोग कंटिन्यूसली बाइक चला रहे हैं कि हम आपको इतने इंफॉर्मेटिव जो है वो व्लॉग दिखाते हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें। ओ यार क्या चीज़ बना दी है यार। देखे चेरी के दरख्त लगे हुए हैं, हाँ आके ना कल्चर चेंज हो जाता है। ये है जी हुंजा वैली, कसम से यार इतना खूबसूरत, इतना मजा आ रहा है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। Assalamualaikum everyone, my name is Salman Aslam, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। ये है जी डे 4 और मैं इस टाइम जा रहा हूँ हुंजा। जाना तो बेसिकली हुंजा था बाबूसर टॉप वाली साइड से, तो हम लोग सिरी पाए थे, तैयब, मैं, अली और हमाद। तो वहाँ से जाके पता चला कि बाबूसर टॉप जो है वो अभी बंद है। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने सोचा नहीं, हम लोगों ने बाबूसर टॉप वापसी पे हम लोग जाएंगे, और हम लोग फिर ऐसे करते हैं हुंजा डायरेक्ट चलते हैं पेशाम वाले रोड से। तो अभी हम पेशाम रोड से पेशाम क्रॉस कर ली है मैंने, और मैं इस टाइम जा रहा हूँ धासू डैम जो है वो आने वाला है, और उसके बाद रोड काफ़ी गंदा हो जाएगा और काफ़ी शदीद गर्मी भी होगी। इस रोड से जो एक्स्ट्रा जो हमें किलोमीटर पड़े हैं वो तकरीबन कोई 350 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़े हैं, लेकिन हमने हुंजा लाजमी पहुंचना था। सो जिसकी वजह से हम लोग इस रोड पे चढ़ गए। उस टाइम सुबह के 7:10 हो चुके हैं और अभी तक हम लोग बाइक चला रहे हैं, कोई रेस्ट नहीं किया। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हम लोग कवाई वाटरफॉल से चले, बल्कि कवाई वाटरफॉल भी क्या, हम लोग सिरी पाए से चले हैं, और उसके बाद से हमने कोई रेस्ट नहीं किया, हम लोग कंटिन्यूसली बाइक चला रहे हैं और डायरेक्ट इंशाल्लाह हुंजा पहुंचेंगे। बहुत ही ख़तरनाक रात को रोड से हम लोग ट्रैवल करके आए हैं, और रात के टाइम आपको पता है ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। सो गाइज़ हम लोग बहुत मुश्किलात का सामना करके ट्रैवल करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि सिर्फ एक लाइक का बटन दबाएँ और सब्सक्राइब करें, जो कि हमारा हक भी बनता है क्योंकि हम आपको इतने इंफॉर्मेटिव जो है वो व्लॉग दिखाते हैं, और उसके लिए आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें। ये देखें जी पहाड़ देखें, बिल्कुल स्ट्रेट है। वाओ दिस इज़ अमेजिंग, अमेजिंग यार, अमेजिंग। देखें कितने बड़े बड़े पेशाम के रास्ते से पहाड़ आते हैं। ये सारा काफ़ी देर से लैंडस्लाइडिंग एरिया चल रहा है, धासू डैम तक जो है ना ये शदीद लैंडस्लाइडिंग एरिया। ये देखें कुछ काम भी कर रहे हैं ये, और इस जगह पे आप ना ही रोकें बाइक, या देखें सारे पत्थर कितने बड़े बड़े जो हैं वो गिरे हुए हैं। तो ख़ास तौर पे ख्याल करें कि पहाड़ों को थोड़ा सा देखते जाएं कि कहीं से धूल मिट्टी वगैरह कुछ इस टाइप की नीचे आ रही हो, या कुछ पत्थर छोटे छोटे आ रहे हो, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो रही है। बेसिकली खुंजराब अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है फिर इतना कोई इशू नहीं है, आप एक दो जगह पे रेस्ट करें, मतलब एक नाइट स्टे करें और आप डायरेक्ट चले जाएं। एज़ यू नो आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे, हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो नहीं जा रहे हैं, हम लोग डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करते जा रहे हैं। आप मीटर में देख सकते हैं 884 किलोमीटर जो है वो हम लोगों ने अभी तक बाइक्स को चला लिया है। अभी धासू डैम के बाद मैं अपने बाइक का ऑयल जो है वो चेंज करूंगा। तो नाज़रीन हज़रात मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने फिर रोका और उसको चार्जिंग पे लगाया है, इंस्टा 360 को, और साथ साथ वो चार्जिंग भी हो रहा है, और क्योंकि आप लोगों को धासू डैम दिखाना था। वो देखें आप देख रहे हैं पाक चाइना फ्रेंडशिप, तो उनकी कोऑर्डिनेशन से ये सारा प्रोजेक्ट आई थिंक तैयार हो रहा है। ये देखें जी लॉन्ग लिव पाक चाइना फ्रेंडशिप।
इन्होंने धासू डैम के साथ जो है वो आगे रास्ता निकालने के लिए एक टनल बना ली है। ओ यार क्या चीज बना दी है यार इन्होंने, ये कमाल कर दी है यार, ये तेज चला रहे हैं बाइक। ये देखें जी चलास जाने के लिए इन्होंने ये टनल बनाई है। तो यार ये टनल का ऊपर आप सीन देखें, इन्होंने बड़ा आर्टिस्टिक टाइप का जो है वो टेक्सचर दिया हुआ है वॉल पे, ऊपर नीचे साइडों पे सब जगह पे लेवल हो गया। मैं अब आपको क्या बताऊं, धासू डैम से जाना हमारे लिए इतना भारी पड़ गया कि हम लोगों के साथ सीन ये हुआ है जी कि कुछ देर पहले तकरीबन 8:15 बजे हम लोग धासू डैम पहुंच गए थे, और चूंकि हमें रास्ते में एक चेक पोस्ट पर बताया गया था कि धासू डैम के रास्ते में रास्ता जो है वो ब्लॉक होता है तकरीबन 57 किलोमीटर, हाँ भाई क्या टीटू पट्टी लगा रहे हो, तकरीबन 57 किलोमीटर तक जो है वो रास्ता ब्लॉक था ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ धासू डैम। और धासू डैम भाई साहब नहीं भूलने वाला, तैयब साहब धासू डैम नहीं भूलेगा हमें, इतनी ख्वारी मैं आपको व्यूवर्स क्या बताऊं कि आप लोग जब भी आएँ तो इनका जो शेड्यूल होता है उसके मुताबिक आप लोग यहाँ से अगर आना है तो उसके शेड्यूल को देख के आना लाजमी, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर टाइमिंग बनाई हुई है 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक रास्ता जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और लोग सारे खड़े हो गए, हम लोगों ने लिटरली इस रोड के ऊपर, ये जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ इस रोड के ऊपर जनाब हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से चटाइयाँ बिछाई और उसके ऊपर लेट गए, और अभी हमारे जो बुरे हाल हुए हैं और इतनी शदीद गर्मी है इस रोड पे, और ऊपर से लैंडस्लाइडिंग का भी सिलसिला था, कोई उन्होंने स्पॉट नहीं दिया हुआ जहां आप लोग के कोई कवर कोई हो, कोई छत कुछ टाइप की कुछ भी नहीं, ओपनली हम लोग यहाँ लेटे हैं। और अब हम लोग जो है वो बस बाइक भगाने वाली कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने हुंसा पहुंचने और बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं, और थकन की ये कंडीशन है कि बस अब दिल कर रहा है कि कुछ जगह ऐसा स्पॉट आ जाए जहां हम सो जाएं। चिलास पहुंचने वाले हैं, तकरीबन कुछ देर बाद चिलास आ जाएगा और वहां सिर्फ 5-10 मिनट का स्टे करेंगे और फिर इंशाल्लाह हुंसा। बहुत अब तक की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा रोड पूरे 969 किलोमीटर में अब आया है ये वाला। बॉयज किधर खड़े हुए हैं आप? ये हम भी चिलास से पीछे 15-16 किलोमीटर खड़े हैं जनाब। चिलास से 15-16 किलोमीटर पीछे, और ये देखें जी ऐसे लग रहा है जैसे कोई रेगिस्तान के अंदर पहाड़ बने हुए हैं। हाँ जी कैसी जा रही है आपकी बाइक और कैसे जा रहे हैं आप? थकन तो होनी है, जाहिर सी बात है 500 किलोमीटर तो है और 6 घंटे वेट करना। ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, हम लोग इस टाइम पहुंच चुके हैं चिलास।
और चिलास में हम लोग सिर्फ 10 से 15 मिनट रुकेंगे क्योंकि हमने अपनी बाइक को जो है वो ट्यून अप थोड़ा सा करवाना है और ऑयल चेंज करना है ताकि हुंजा का सफ़र वो हमारा इजी हो जाए। ये है जी चिलास शहर, चिलास सिटी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है यार। देखें अली भाई, ये देखें पहाड़, ब्राउन कलर के पहाड़ और कैसा। लेकिन यहाँ वाकई यार यहाँ गर्मी के ऐसे फील हो रहा है कि यहाँ गर्मी बहुत होती होगी। हेलो, हाउ आर यू? Hello. From where are you coming? My country? Yeah. I was born in Turkey. Turkey? You are Turkish? Yeah. Oh, I'm from Lahore. So you are walking from there? Yes, yeah, 6 months. From Turkey? Yeah. Walking? Yes. So guys, ye log jo hai na walk karte hue aa rahe hain Turkey se. Turkey. So you both are Turkey? No, both Turkey and in the front it's from Spain. Okay, Spain, okay. About 20. About 20 minutes. But sometimes getting dark rain. So you are walking 20 kilometers per day? Yeah. Approximately. Excuse me? Have you any channel of YouTube? No. Instagram? No, Instagram I have. So give me your Instagram. You have a phone? Yeah, this is my YouTube channel. Salman Zone. Salman Zone. Salman Zone. Okay. I will find you. I can text you in YouTube, but I don't. तकरीबन हुंजा वैली की हदूद शुरू हो चुकी है और थोड़ा सा आगे जाके प्रॉपर हुंजा जो है वो आ जाएगा। मैंने पूरे पाकिस्तान में इतना नीट क्लीन शहर कहीं भी नहीं देखा और इवन के गांव इतने खूबसूरत हैं। तो अभी हुंजा जाके देखते हैं, हुंजा की ब्यूटी देखते हैं। हुंजा के अंदर हम लोगों ने आपको बहुत सी प्लेसेस जो है वो विज़िट करवानी है। इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, आपने सारी वीडियो सारी सीरीज़ जो है वो एंड तक देखनी है। आज हमारा 5वां दिन है जी लाहौर टू खुंजराब के लिए। ऐसे लग रहा है जैसे कोई शेप्स बनी हुई है, ऐसे लग रहा है। अगर आप थोड़ी देर इनको देखते रहेंगे ना, ये जो पार्ट है, ये जो 3-4 पीसीज जो बने हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इनमें आपको ना कुछ नज़र आ रहा होगा लाजमी। वाह माशाल्लाह, वो ऊपर देखें, व्हाट अ ब्यूटी है। आपको नज़र आ रहा है सामने, देखें ये है हुंजा, हुंजा की पहाड़ियाँ। ये क्या पहाड़ी है यार, चेक करें ज़रा। तो ये साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? वाह माशाल्लाह यार, मैं इधर जाना चाहता हूँ यार। ये तो फुल अंधेरा होगा इस पहाड़ी के ऊपर। कमाल है यार, कमाल है, कमाल है यार। अल्लाह की कुदरत चेक करो यार। बस यार ये लव है पहाड़ियों से। हमें ये जी हुंजा की पहाड़ी जो है वो 7900 तकरीबन 8000 फीट की बुलंदी पे है। ये देखें चेरी के दरख्त लगे हुए हैं, ये सारे मेरे लेफ्ट साइड पे चेरी का बाग है और चेरी यहाँ बहुत सस्ती है। इधर जो फल मिलता है चेरी सेब, ये देखें लेफ्ट साइड पे सारी चेरी है। यहाँ आके ना कल्चर चेंज हो जाता है क्योंकि आप पाकिस्तान में पंजाब जाएंगे और भी मरी जाएंगे या नथिया गली जाएंगे तो वहाँ तकरीबन हमारे जैसे ही कल्चर है। मैं आपको ये बात कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी कि यहाँ लिटरेसी लेवल जो लोगों का है वो 98% है और सिर्फ 2% लोग जो है वो अनएजुकेटेड है। जी तो ये है जी हुंजा वैली, हुंजा नगर, हुंजा वैली, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत रोड और सफाई का इंतहाई मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। इतनी सफाई है इस शहर के अंदर। ये देखें आप रोड कितना क्लियर है, लोगों की शॉप्स देखें, पूरा तरीके से उन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं। 8-16 हो गए और बच्चों के स्कूल कटा में ये देखें, जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग की हुई है बच्चों ने, और देखें आप नीट एंड क्लीन बच्चे
और सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी और मुल्क में आ गया हूँ और वहाँ विज़िट कर रहा हूँ, लेकिन ये जनाब पाकिस्तान ही है। बच्चे देखें कितना मतलब तैयार हुए हुए हैं बच्चे यार, पंजाब में तो ऐसे नहीं होता ना। तो इंशाल्लाह आपको हमजा सारा जो है वो आपको विज़िट करवाएंगे, चूँकि एक ही व्लॉग में इसको मैं कवर नहीं कर सकता। तो ये देखें सेक्टर D4, ये सेक्टर्स बने हुए हैं, मोटेल हमजा। ये थोड़ी स्टीप पे है करीमाबाद, और तीनों इधर बल्टित फोर्ट और करीमाबाद। यार कसम से यार इतना खूबसूरत, इतना मज़ा आ रहा है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। कमाल की जगह है, कमाल की। आप ज़रूर आए यार, मैं कहता हूँ कहीं भी ना जाएं यहाँ ज़रूर आए, इधर लाजमी आए, ये बहुत ज़रूरी जगह है। बहुत इतना पीस है इधर, मैं आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता हूँ। नहीं जी, ये बाज़ार है जी, इधर लेफ़्ट साइड पे अल्तित फोर्ट है और करीमाबाद भी लेफ़्ट साइड पे 1.2 किलोमीटर है, 1.7 किलोमीटर इधर से वो है। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है क्योंकि हम लोग बस इसी तरीके से जो है वो अपने व्लॉग्स बना रहे होते हैं टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं जॉब भी करता हूँ, तो ये भाई भी जॉब करते हैं। ये देखें जी, ये है सारा नीचे हमजा और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग अब फ़िलहाल होटल की तलाश कर रहे हैं, कोई अच्छा सा होटल लेते हैं और फिर आपको हमजा सारा विज़िट करवाएंगे। उसके लिए स्टे ट्यून और नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल हम लोग नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट एपिसोड जो हैं वो अपलोड कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग होटल ढूंढते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह कल जो है वो आपको सारा हमजा दिखाएंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।